स्टूडेंट्स, फॉर्मुलेटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है वो PYQ उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो कि आपको थर्ड सेम CSE एंड EC ब्रांच में ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, ये दोनों ब्रांचेज में ये सब्जेक्ट आता है। जो PYQ हम लेंगे ये 2022 का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। ओके, प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ का, तो ऑब्वियस है C++ है तो उप्स का कंसेप्ट रहेगा ही, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम रहेगा ही। ओवरऑल इस पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं, आप फॉर्मुलेटर के ऐप पे जाके ये चीज देख सकते हैं। ओके, तो चूंकि ये क्वेश्चन सेक्शंस हैं, PYQ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, 2022 का जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न इस पे बना हुआ है। इससे पहले ऑलरेडी इसका लेक्चर्स हमने कंप्लीट किया हुआ है, तो C++ क्या है उसके बारे में जानने के लिए आप हमारे फॉर्मुलेटर ऐप पे जाइए, वहां पे देखें उस पे कैसे क्या प्रोसेस होता है, वहां पे आपको पता चलेगा। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस पे अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर आपको बाकी का प्रोसेस पता चल जाएगा और वहां से आप PYQ लेक्चर्स ऑलरेडी बहुत सारे बहुत कुछ हैं वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। खैर, तो आज का जो क्लास है वो हमारा है किस चीज का, तो उप्स का। ओके, किसका? उप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ है, लेकिन उप्स को हम इस तरह से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। एस जो है वो साइलेंट रहता है, एपोस्ट्रॉफी का पार्ट है। आप उप्स भी लिख सकते हैं या उप भी लिख सकते हैं, लेकिन ये उप्स इस तरह से चला जाता है। खैर, तो इसका पेपर कोड जो है वो 10313 है, 100313, ये इसका पेपर कोड है। ओके, तो इसमें आप लोग को पता होगा कि दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका ऑब्जेक्टिव, पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव रहता है एंड पार्ट बी में सब्जेक्टिव है, यानी दो पार्ट में बटा हुआ है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। हम भी जो आपका PYQ सेक्शन है ये दोनों तरीके से लेके चलेंगे, पहले हम ऑब्जेक्टिव सेक्शंस को डील करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव सेक्शंस को डील करेंगे। यानी पार्ट ए में हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पार्ट बी में हम इसका सब्जेक्टिव देखेंगे। चूंकि ये प्रोग्रामिंग पेपर है तो बहुत सारे चीज लाइव ही होंगे, लाइव इन द सेंस कि मैं रिकॉर्डिंग के टाइम में ही बताऊंगा, जहां पे तक प्रोग्राम का बात होता है उस पे। एंड जो भी सेक्शंस, जो भी पार्ट होंगे, कुछ बताने का, हिस्ट्री बताने का, वो भी मैं इस पे डील करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उप्स को। बाकी ओवरव्यू एक देने के लिए, उप्स बेजार्डने स्ट्रोस्टर्स इसके डेवलपर थे, AT&T बेल लैब लेबोरेटरी के अंदर ये भी डेवलप हुआ था 1970s में, आप इसे भी लेके चल सकते हो। ये भी एक हाई लेवल और लो लेवल दोनों, मिडिल लेवल लैंग्वेज से बोलते हैं, क्योंकि हाई लेवल एंड लो लेवल इन द की मशीन लैंग्वेज दोनों तरीके के इसमें कोडिंग हम कर सकते थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ जो है, ये C++ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, ये पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि इसमें हम स्ट्रक्चर के टेक्निक को भी फॉलो कर सकते हैं एंड उप्स के भी टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये एक इसका इंट्रोडक्शन कुछ, बाकी और भी हैं जो कि आप लेक्चर्स में सुनेंगे। वो देखने के बाद आप जब इसके PYQ पे आएंगे 2022 का, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो टोटल आपका 10 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आपको 7 डील करने हैं, यानी 7 आपको बनाने हैं। ओके, एंड उसके बाद आपका लॉन्ग यानी सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कहता है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एनी 7 क्वेश्चंस ओनली। ओके, 10 है आपका, आपको 7 बनाने हैं, ए से जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी आपको टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से 7 आपको डील करना है। पहला क्वेश्चन ए क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लिए बेस्ट डिस्क्राइब इन 4 में से कौन सा सही रहेगा, बेस्ट
हो सकता है इसमें और भी कोई सही हो, लेकिन बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा सही होगा। तो पहला क्या कहता है कि कॉपिंग द कोड ऑलरेडी रिटेन, क्या कोड जो है वो ऑलरेडी रिटेन होता है या फिर इनहेरिटेंस में हम कॉपी करें या फिर उसको चाइल्ड जैसे ही हम क्रिएट करें या कोई भी क्लास का हम डिराइव बनाए तो क्या कॉपी भी क्रिएटेड उसका हो जाता है या फिर ऑलरेडी रिटेन होता है कॉपी ये कोड, ये भी नहीं। यूजिंग द कोड ऑलरेडी रिटेन्स वन, या कोड को ऑलरेडी ये रिटेन हम यूज कर सकते हैं, जो पहले से बनाया वही चीज को हम यूज कर लें हर एक में, ये भी पॉसिबल नहीं है। यूजिंग द ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या इनहेरिटेंस में हम ऑलरेडी जो डिफाइंड फंक्शंस हैं उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन ही यूज होता है, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है। ऑलरेडी डिफाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी डिफाइन मतलब फंक्शन जब डिक्लेयर होगा नहीं तो डिफाइन कहाँ से होगा, ओके डिक्लेरेशन तो उसका होना चाहिए तभी वो डिफाइन होगा, तभी वो कॉलिंग होगा, ओके। यूजिंग द डेटा एंड फंक्शन इन टू डिराइव्ड सेगमेंट, यहाँ जो डिराइव्ड सेगमेंट आया है यही मेन है इसका, चूंकि डिराइव्ड कोई भी क्लास होगा किसी पेरेंट से किसी को हम डिराइव करेंगे या फिर हम उसे बनाएंगे तो हम उसके अंदर हम डेटा एंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जब एक क्लास बनाओगे, मान लो क्लास ए यहाँ पे बना, क्लास ए हमने बनाया, ओके ये क्लास यहाँ बंद हुआ, क्लास एक और हमने ए बी बनाया, ये यहाँ पे क्लास फिर ए हमने कर दिया, ये पेरेंट हो गया ये चाइल्ड हो गया, इस तरह से हमारा ये इनहेरिटेंस बनता है। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक भी या प्राइवेट भी स्कोप स्पेसिफाइड पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो भी यहाँ यूज होंगे, इसे मैंने शॉर्ट लिखा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ना समझे कि सर ने गलत लिखा है, यहाँ पे पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड हम यूज कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। एंड ये क्या हुआ हमारा पेरेंट क्लास हुआ एंड ये क्या हुआ हमारा चाइल्ड क्लास हुआ, यहाँ पे जो हम कोई भी डेटा एंड फंक्शन यूज करेंगे वो हम इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिराइव्ड हम क्लास को किसी चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, तो ये जो डिराइव्ड सेगमेंट आता है यही इनहेरिटेंस का मेन यहाँ पे मोटो यहाँ पे मेन डिस्क्राइब्ड है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनहेरिटेंस इज अ प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ न्यू क्लास बाय रीयूजिंग द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर्स ऑफ ए एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है। उसका बिहेवियर्स क्या है, उसका एग्जिस्टिंग क्लास का क्या बिहेव होता है वो वहां पे मेन इसका पार्ट है। द एग्जिस्टिंग क्लास इज रेफर्ड टू एज द बेस एंड पेरेंट क्लास एंड द न्यू क्लास इज कॉल्ड द डिराइव्ड इज द चाइल्ड क्लास, यानी जो डिराइव्ड हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है बेस और पेरेंट, जो बेस है किसका बेस, आपका बेस कौन सा है, बेस हम कहां जानेंगे, यानी एक चाइल्ड का बेस क्या होता है उसका पेरेंट, ठीक है। तो जो डिराइव्ड हो रहा है वो चाइल्ड है एंड जो पेरेंट जिसको वो डिराइव्ड कर रहा है वो पेरेंट होता है, ठीक है। तो ये पेरेंट्स है, ये बेस है और ये क्या है आपका चाइल्ड यानी डिराइव्ड, ओके। ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर वन का बी क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लास, इसमें से कौन सा है जो जो हमारा क्लास नहीं है, ओके। तो यहाँ पे ये गलत ये आपका हो गया है कलर, ये स्टार्ट क्लास जो है ये सही है, ओके। स्टार्ट स्ट्रिंग तो क्लास होता ही है, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास होता है ये आप जान ले, यहाँ कलर गलती से आपका यहाँ पे येलो हो गया है, इसका सही आंसर आपका है थर्ड नंबर, ओके। स्टार्ट क्लास, स्टार्ट कोई क्लास ही नहीं है, स्टार्ट कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये स्टार्ट आपका यहाँ पे सही होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, फाइनल क्लास भी है, ओके। एंड आपका फाइनल आपको ये एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सब में यूज में आता है, स्ट्रिंग क्लास भी होता है, ओके। एंड स्टार्ट जो होता है वो कोई क्लास नहीं होता है, इसलिए यहाँ जो स्टार्ट है, द स्टार्ट क्लास इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ क्लास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। इसका सही आंसर थर्ड नंबर होगा, स्टार्ट क्लास। Which is the default access specifier for data member or member function declared within a class without any specific in a C++? तीन तरह के scope specifier होते हैं, ये आप लोग को पता ही होगा, private, public
एंड प्रोटेक्टेड। ओके, तीन तरह के इसके स्कोप स्पेसिफायर होते हैं। पहला है आपका प्राइवेट, दूसरा पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ये तीनों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये जहां पे जो डेटा, ज्यादातर डेटा मेंबर जो होते हैं वो प्राइवेट मोड में होते हैं, ज्यादातर क्या होना ही चाहिए, जो रूल्स है, जो आपका सिक्योरिटी के रूप में होता है। पब्लिक मोड में इसमें ज्यादातर कौन आ जाते हैं, तो डेटा मेंबर। ओके, इसमें आ जाते हैं मेंबर फंक्शन। एंड इसमें आप दोनों को आप लेके चल सकते हो प्रोटेक्टेड में। प्रोटेक्टेड जस्ट लाइक प्राइवेट की तरह ही होता है, ठीक है। जो जैसा प्राइवेट का नेचर है वैसा प्रोटेक्टेड का भी होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है किस केस में, तो इनहेरिटेंस के केस में। तो इनहेरिटेंस के केस में मैंने आपको लेक्चर में बताया भी होगा, वहां पे आप जरूर देख लेंगे। प्राइवेट मोड में जो भी डेटा होता है उसे हम क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो प्राइवेटली हो जाता है, वो उस बॉडी के अंदर ही का ही पार्ट होता है, कोई बाहर वाला उसे यूज नहीं करेगा। लेकिन जो पब्लिक में होते हैं, पब्लिकली हैं, जैसे फंक्शन हमेशा पब्लिक मोड में होता है, क्योंकि फंक्शन को कहीं और कॉल भी होना होता है, कहीं उसे कॉल भी करना पड़ता है, कहीं से उसे एक्सेस भी करना पड़ता है, इसलिए ये पब्लिक मोड में हमेशा रहता है। और प्रोटेक्टेड मोड का अभी हमने बताया। प्राइवेट मोड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट नेचर का है, आप इसे प्राइवेट लिखें या ना लिखें, प्राइवेट मोड बाय डिफॉल्ट होता है। अगर किसी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, क्लास ए, ओके, और यहाँ पे मैंने इंट ए लिख दिया और यहाँ मैंने प्राइवेट नहीं लिखा, तो कंपाइलर हमेशा यही समझेगा ये डेटा जो है ये प्राइवेट मोड का है, ये क्लास के बाहर ए जो है वो एक्सेस नहीं होगा। इस क्लास, जैसे ही इस क्लास का क्लोजिंग हो जाएगा, ये ए जो है ये बाहर एक्सेस नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पे प्राइवेट लिखें या ना लिखें, प्राइवेट जो होता है ये बाय डिफॉल्ट नेचर का होता है। ओके, कंपाइलर हमेशा ये समझेगा कि ये डेटा, अगर आपने इसे चेंज करना है तो यहाँ पे आपको पब्लिक लिखना होगा, तभी इसका नेचर चेंज होगा। अगर आपने नहीं कुछ लिखा है तो इसका बाय डिफॉल्ट नेचर जो होता है वो प्राइवेट मोड का होता है। इसका इसका इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, प्राइवेट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास। ये कौन सा है जो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास, क्लास का मेंबर नहीं होता है। स्टैटिक फंक्शन होते हैं, फंक्शन जो है वो क्लास के मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शन जो हम बोलते हैं। फ्रेंड फंक्शन, और यस, क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट एक्सेस उस बॉडी के डेटा को नहीं करते, उसका अलग एक नियम है। ओके, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट कुछ कोई फंक्शंस नहीं है। एक तरह से अगर हम यहाँ पे देते हैं, जैसे कांस्ट हमको कहीं लिखना, जैसे किसी को कांस्ट बनाना है, कांस्ट इंट ए, इस तरह से हम करते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, वेरिएबल कांस्टेंट के लिए हम ये यूज करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ द फंक्शन इन C++, फंक्शन के कैटेगरी में आता ही नहीं है। हाउएवर इट माइट रेफर टू मेंबर फंक्शन दैट आर डिक्लेयर्ड एज अ कांस्ट क्वालिफाइड, दिस कांस्ट क्वालिफाइड मेंबर फंक्शन इंडिकेट दैट दे डू नॉट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच दे आर कॉल्ड। जब कॉल्ड होता है ऑब्जेक्ट को नहीं एक्सेस कर सकते, लेकिन ये जो पार्ट होता है कांस्टेंट नाम, फंक्शन नाम का कोई होता नहीं है एक्चुअली, एंड ये क्लास का कोई मेंबर नहीं होता है। मेंबर या तो डेटा मेंबर के रूप में होगा या मेंबर फंक्शंस के रूप में होगा, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा 3rd, कांस्टेंट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का ई, Which constructor will be called from the object oriented in the code below? इस वाले में ये जो प्रोग्राम है इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज होगा, ठीक है, कौन सा? तो क्लास ए यहाँ पे एक बना, इंट आई यहाँ पे हुआ, ए नाम का यहाँ पे बना, तो ये क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हो गया।
तो इसे क्या कौन सा कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ओके। एंड ये क्या है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये क्या है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब विच कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन द कोड बिलो। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसमें से कौन कंस्ट्रक्टर जो है जो कॉल होगा। अब यहां देखिए, मेन में जब वॉइड मेन हो रहा है, वॉइड मेन यहां बना, यहां पे जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट सिंपल क्या बना हुआ, ओबीजे वन है, सिंपल ओबीजे वन लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे ही ये ओबीजे वन से कॉल होगा तो ये कॉल किसको करेगा, पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये कॉल होगा। ये क्यों नहीं कॉल होगा, क्योंकि इसमें पैरामीटर्स पास हैं, इंट एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है, यानी एक्स यहाँ पे जीरो है दिया हुआ। जब हम ये कॉल करना होगा तो इसको कॉल करने के साथ इसके अंदर अगर हम कोई डेटा पास कर देंगे एक्चुअल आर्गुमेंट, तब जाके ये सेम कॉल ये होगा, तय होता कि ये कॉल होता। लेकिन चूंकि ये सिंपल अभी सिर्फ क्या है, प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, ओबीजे वन, ये वाला पार्ट देखिए, ठीक है। तो ओबीजे वन चूंकि यहाँ तो पैरामीटर पास है नहीं, तो पैरामीटर पास नहीं है तो ये कॉल होगा नहीं, कॉल किसे करेगा ये, इसे। तो इसलिए इसका सही आंसर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, क्लियर है ना। इसे यहां पे क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिवेंट एनी मेथड फ्रॉम ओवरराइडिंग, वी डिक्लेयर द मेथड एज, वी प्रिवेंट द एनी मेथड फॉर ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग के लिए अगर हम कोई मेथड को प्रिवेंट करना चाहें तो इसमें से कौन सा क्या करा है, वी डिक्लेयर द मेथड एज, किसके अंदर डिक्लेयर करना होगा, स्टैटिक है, कॉन्स्टेंट है, फाइनल है, नॉन मतलब यहाँ पे क्या है, फाइनल। फाइनल के अंदर अगर हम प्रिवेंट एनी मेथड यूजिंग ओवररीडिंग सी प्लस, वी डिक्लेयर द मेथड एज। फाइनल के अंदर हम कोई मेथड को अगर डिक्लेयर करते हैं या फिर उसे हम उसके अंदर यूज करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ज्यादातर कम ओवरराइड हो। ओवरराइड इन द सेंस कि फंक्शन नेम सेम रहेगा एंड सेम अनदर अलग अलग क्लासेस में ओवरराइड ना हो एक ही फंक्शन के नाम से। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये प्रिवेंट करता है फाइनल कीवर्ड जो है, ये फाइनल हम इसे कीवर्ड ही बोलते हैं, ओके। वन का जी, इन सी प्लस प्लस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज एकम्प्लीस्ड विद द ऑपरेटर। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है तो न्यू कीवर्ड जो है वो लगेगा ही, क्योंकि न्यू कीवर्ड से मेमोरी इंस्टेंशिएट होता है, उसे परमानेंटली एलोकेट हो जाता है कि ये आपका जमीन है, आपको ये रजिस्ट्री हो गया। यानी न्यू जब तक हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में या डीएमए में हम ये न्यू को एलोकेट नहीं करेंगे या न्यू कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, तब तक किसी भी वेरिएबल का या किसी भी एक क्लास का जो भी पार्ट हो वो उसका मेमोरी इंस्टेंसेशन नहीं होगा, यानी उसको मेमोरी परमानेंट नहीं मिलेगा, ओके। तो ये न्यू जो है वो ये काम करता है, ओके। H, when a class serves a base class for many derived classes, the situation is called hierarchical inheritance. So, ये बात है, the when a class serves as a base class for many derived class, बहुत सारे derived class को अगर वो बना रहा है उसके अंदर वो, तो वहां पे आ जाता है क्या, hierarchical classes, okay? यहाँ पे ये option यहाँ one, ये टू होगा एंड ये आपका थ्री होगा एंड ये फोर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ओके। यहाँ पे इसका मैं ऑप्शंस देख लेता हूँ, आई थिंक ये आपका सही होना चाहिए। व्हेन अ क्लास सर्व्स अ बेस क्लास फॉर मेनी ड्राइव क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म वन है, टू में हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, ओके। टू में हायरार्किकल है, ओके। वैसे आप मैं यहाँ पे जो नंबरिंग है उसी के अनुसार आप समझना, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है एंड फोर्थ में मल्टीपाथ इनहेरिटेंस है,
ओके, ये फोर्थ तो सही है, बस टू नंबर और थर्ड नंबर जो है वो स्वैप हो गया है, तो वहां पे आप ये जरूर देख लेंगे। इसका सही आंसर जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगर लिख भी दूं कि ये टू नंबर ये थर्ड नंबर, तो उससे नहीं है, बस ये देखना है आपको कि व्हेन अ क्लास सर्व्स, इस तरह का अगर बेस क्लास फॉर मेनी ड्राइव क्लास अगर करेगा, एक बेस क्लास जो है अगर पेरेंट क्लास बहुत सारे चाइल्ड को बना रहा है, तो वहां पे वो चला जाएगा किसमें, हायरार्किकल में। ओके, आई फॉर अ मेथड टू बी एन इंटरफेस बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द एंड अ क्लास, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड फॉर अ मेथड टू बी एन इंटरफेस बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड अ क्लास, इट मस्ट बी डिक्लेयर पब्लिक। ओके, ये सही है कि अगर कोई मेथड है उसमें एक इंटरफेस में, हम उसको बाहर यूज कहीं भी यूज हो, आउटसाइड द वर्ल्ड कहीं भी हम उसको यूज करें, तो वो किस मोड में डिक्लेयर होगा, तो वो वहां पे पब्लिक है। अभी भी मैंने पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड के बारे में बताया था कि पब्लिक मोड में जो भी रहता है वो कहीं से भी कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। ओके, कोई बाहर वाला भी कर सकता है। ओके, लेकिन जो प्राइवेट मोड में होता है उसे बाहर वाला एक्सेस नहीं करेगा। क्लियर यहाँ पे। एंड जे नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बेस क्लास पॉइंटर कैन नॉट पॉइंट टू डिराइव क्लास, गलत है, डिराइव क्लास पॉइंटर कैन नॉट पॉइंट टू बेस क्लास। ओके, पॉइंटर टू डिराइव क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड। ओके, पॉइंटर टू बेस क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये सब हमारा क्या गलत है। सही आंसर क्या होगा, डिराइव क्लास जो होता है, डिराइव क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, पॉइंटर कैन नॉट बी पॉइंट टू बेस क्लास, उसको पॉइंट वो नहीं करेगा, क्योंकि बेस क्लास के ही ऑब्जेक्ट से जो डिराइव क्लास है वो पॉइंटर वो एक्सेसिंग हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये इसका सही ऑप्शन रहे है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट ए का ऑब्जेक्टिव सेक्शन था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट बी सेक्शन, जो कि लॉन्ग पार्ट हमारा रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके, देखेंगे पार्ट बी सेक्शंस को, वो हम इसके बाद, अब पार्ट ए, तब तक आप इसे ऑब्जेक्टिव को देखें, पार्ट बी में लॉन्ग के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्जेक्टिव सेक्शंस को अच्छे से समझें एंड उसे बनाने का खुद से कोशिश करें एक बार समझने के बाद। ओके, चलिए फिर मिलते हैं।